हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। मुझे देख रहे हैं सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम। क्या कुछ चल रहा है अभी इस वक्त? मैं देख रहा हूँ सर, सर अभी हम लोग शूट कर रहे हैं फिल्म सुहागन, और सर बतौर निर्माता, ये मतलब प्रोड्यूसर, ये मेरी पहली फिल्म है। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं संजीव बोहरपी जी, और मतलब एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म हम लोग बना रहे हैं, और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट, मतलब मेरी फिल्म है इसलिए मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब्जेक्ट वाकई में बहुत अच्छा है, और इसीलिए मेरी इच्छा हुई कि ये फिल्म मैं खुद जाके आगे बढ़ के प्रोड्यूस करूँ, और फिर हम लोगों ने ये सेटअप बना के काम चालू कर दिया। पापा जी का कितना सहयोग मिला इस फिल्म में? सर पापा का, फिल्म का नहीं सर, पापा का तो जीवन में इतना सहयोग है कि काम उनके अंदर में सीखा हम लोग ने, और उनके साथ ही फिल्म का जो बारीकियां होती है वो सीखी, और वो सब सीखने के बाद आप भी जैसा हम फिल्म जैसा ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पापा का पूरा इन्वॉल्वमेंट था सब्जेक्ट में, और आगे से आके वो चीज़ों को मतलब उनकी देख रेख में चीज़ें हुई, सब्जेक्ट उन्होंने लॉक करने में काफ़ी हेल्प किया, डायलॉग्स में, स्क्रीन प्ले में, इवन कास्टिंग में, फिर लोकेशन हंटिंग में भी काफ़ी चीज़ें हेल्प की उन्होंने, तो ओवरऑल बहुत मतलब उनका तो सहयोग हर हमेशा से चलता आ रहा है, और इंशाल्लाह ऊपर वाला वो बनाए रखें। किसने सलाह दिया कि एज ए डायरेक्शन बाद फिल्म प्रोड्यूस किया जाए? सर क्या होता है ना कि मैंने फिल्म डायरेक्ट की और उसके बाद अभी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, सर उसका रीज़न ये है कि एक डायरेक्टर के तौर पे मुझे इन्वॉल्व होना था, तो एक दो तीन फिल्में लाइन टू लाइन बैक टू बैक फिल्में थी, और मुझे ये सब्जेक्ट भी करना था, तो मुझे लगा शायद मैं वो जस्टिफाई नहीं कर पाऊँ, अपना पूरा टाइम नहीं दे पाऊँ सब्जेक्ट को, तो मैंने इसलिए संजीव जी से कहा कि सर ये फैमिली ड्रामा फिल्म है, आप स्टोरी सुन लीजिए, और मैं चाहता हूँ कि आप करिए, और संजीव जी ने तुरंत उसको हाँ किया, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो सीनियर, मेरे से सीनियर, मैं मतलब उनके अंडर में मैंने काम सीखा है, और उन्होंने हाँ कर दिया, तो मैंने ये फिर फिल्म ऑन करी, क्योंकि मैं, मुझे मालूम था कि मैं शायद एक फिल्म थी मेरी, उसके बाद फिर वापस दूसरी फिल्म थी एज ए डायरेक्टर, तो मैं बीच में उतना टाइम नहीं दे पाता जितनी शिद्दत और जितने अच्छे से वो कर पाएँ चीज़ों को। सर इसमें समर सिंह जी हैं, और समर सिंह जी का मैं ख़ास तौर पे धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जब मेरे से मेरी पहली बात हुई थी, तो उन्होंने बोला भैया मतलब जितना इंटरेस्टेड मैं था उतना इंटरेस्टेड वो भी थे, और उन्होंने फर्स्ट मीटिंग की, और उनको सब्जेक्ट तो मतलब ऐसा था कि भैया आप ये जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं कर दीजिए, और मैं जो मेरे से सहयोग होगा वो मैं करूँगा, और उनका सहयोग तो मैं मतलब क्या कहूँ, मतलब आने वाले बहुत बड़े सुपरस्टार होंगे वो इंडस्ट्री के, और बहुत ही सहयोग किया, और मेरी फिल्म मतलब शुरू हुई जल्दी, उसका बहुत बड़ा सहयोग उनको भी जाता है। आप खुद एक डायरेक्टर हैं, दूसरे डायरेक्टर को अपने फाइनल किया, क्या सोच के संजीव जी को अपने फाइनल किया? सर संजीव जी तो सर मेरे सीनियर हैं सर, और उनसे ही मैंने काम सीखा है, तो ये था कि मुझे लगा कि शायद ये सब्जेक्ट को वो मेरे से ज़्यादा बेहतर डील कर पाए, और यही कारण था कि मैंने उनको अप्रोच किया और उन्होंने हाँ बोला, उसके लिए मैं फिर से उन्हें शुक्रिया कहना चाहूँगा। और आर्टिस्ट की बात करें तो बाकी आर्टिस्ट के तौर पे माही खान जी हैं, मतलब दो लड़कियाँ हैं इसमें, माही खान जी और नीलू शंकर सिंह, फैमिली ड्रामा है, रिश्तों की कहानी है, परिवार में कैसे किसी की किसी मतलब रिश्तेदारों, जो दूसरे रिश्तेदार होते हैं और दूसरे लोग होते हैं उनकी बातों में आके हम अपना आपसी रिश्ता नहीं खराब करें, उसकी कहानी है, पूरी फैमिली है उसमें, संजीव मिश्रा जी हैं, पूनम वर्मा, इला पांडे, और बाकी और भी आर्टिस्ट हैं जिनका अभी फ़िलहाल नाम लेना उचित नहीं होगा, और कुछ तो इसमें हम लोगों ने दो तीन सरप्राइज़ पैकेज भी रखे हुए हैं, तो वो मैं आपको बाद में बता पाऊँगा, तो ये रिश्तों की कहानी है, इसमें यही है कि भाई जब तक आप अपनी फैमिली में जब किसी कोई बात अगर होती है तो आप जाके सामने से जो मतभेद हैं उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, ना कि आप दूसरे की बात में आके आप घर के रिश्तों को ख़राब करें। संगीत पर कितना ध्यान दिया आपने? सर संगीत पर ध्यान ऐसा है कि जब हम लोगों ने फिल्म का सब्जेक्ट बनाया तो हमारी पहली क्राइटेरिया ये थी कि हम इसमें कोई आइटम सॉन्ग नहीं डालने वाले हैं, और कोई डबल मीनिंग वाला डायलॉग नहीं डालने वाले हैं, तो आप हमारी अगर फिल्मों के गाने सुनेंगे तो आपको खुद महसूस भी होगा, है ना, ये तो हमने आशीष वर्मा जी, जो अभी फ़िलहाल उनका हाल फिलहाल में हेलो कौन दो दिन पहले ट्रेंडिंग में चल रहा था, और मतलब पीवा से पहले हमारे लो, और अभी तक जो भी गाने उन्होंने दिए, बड़े गाने दिए, हिट गाने दिए, तो उनसे हमने बात की, तो उन्होंने भी कहानी सुनने के बाद उनका भी ये था कि भाई वही सेम चीज़ आ गई कि जितना एक्साइटेड आप उतना एक्साइटेड मैं भी हूँ, और मैं ये फिल्म करना चाहूँगा, और उन्होंने जो गाने दिए वो सब राशि पैटर्न वाले गाने हैं, और आप देखोगे तो आपको लगेगा यार इसमें भोजपुरी मिट्टी की खुशबू दिखाई दे रही है, भोजपुरी का कल्चर दिखाई दे रहा है, और वो मतलब फिल्म की बहुत बड़ी USP साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। फिल्म हम चलते हैं सर, लंदन चलते हैं, चलिएगा। चलते हैं सर।
फील करिए इस बार लंदन में, क्या करें लंदन की, जरा हमारा बताइए। सर लंदन लंदन में तो सर अभी हमने शूट करके आई हैं, हालांकि उसके डायरेक्टर पापा थे असलम शेख सर, है ना। तो हम लोगों ने 22-23 दिन का शेड्यूल शूट किया और दिनेश लाल यादव जी, निरोवा जी, वो फिल्म के हीरो थे, मधु शर्मा जी, आम्रपाली दुबे जी फीमेल एक्ट्रेस में थी। तो हम लोगों ने एक बहुत मज़ेदार 22-23 दिन का शेड्यूल किया सर, दुल्हा हिंदुस्तानी नाम है फिल्म का। और वो 22-23 दिन सर मतलब एक पिकनिक और जैसा माहौल भी था, काम भी बहुत निखर के आया, बहुत अच्छा उम्दा काम हुआ है। लंदन के जितने बढ़िया लोकेशन थे हम लोगों ने उस पर शूट किया, चाहे वो टावर ब्रिज हो, लंदन आई हो, और जितने बड़े बड़े लोकेशन थे हम लोगों ने सब पे शूट किया और एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बन के उभरी। हालांकि उसका इंडिया का काम बाकी है, अभी एक 8-10 दिन का उसका शेड्यूल बाकी है, जो हम लोग जल्द ही जो कॉम्बिनेशन डेट्स का बैठ जाएगा तो जल्द ही उसे भी कम्प्लीट कर लेंगे। क्या कुछ खास है लंदन में शूट करने के लिए? सर लंदन में देखिए क्या है, लंदन का लोकेशन तो खैर सब वाकिफ हैं, जहाँ भोजपुरी जो सिनेमा बनती है हिंदुस्तान के जो कल्चर उसको दिखाते हैं, हम लोग लंदन जाते हैं उसमें भोजपुरी चीज़ें को दिखा रहे हैं, क्या स्टोरी उसकी डिमांड थी या ऐसे कुछ स्पेशल था? स्टोरी का डिमांड भी था और देखिए क्या है कि हम मैं इस बात से बहुत पूरी तरह से सहमत हूँ कि हम भोजपुरी फिल्म करें, मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें करनी चाहिए हमको, और हमारी फिल्म भी वही है। हमारी फिल्म शुरू होती है, और मैंने इसीलिए कहा ना कि हमारा 10 दिन का काम बाकी है इंडिया का, तो कहानी भी शुरू होती है और कहानी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि किसी तरह वो लंदन कनेक्ट होता है जो कहानी का रिक्वायरमेंट था, तो इसलिए हमें उसे अब्रॉड जाके शूट करना पड़ा और उसको उतने ही बड़े लेवल पे हमने फिर शूट भी किया है। दिनेश और आम्रपाली जी के बारे में कुछ खास बातें सर? दिनेश जी और आम्रपाली जी की जो पहले फिल्म थी सर निरोवा हिंदुस्तानी, उसमें मैं एसोसिएट था और वही टाइम से मैं उनके साथ मेरा ऐसे रिलेशन था कि मतलब वो एक दोस्ती वाला रिलेशन हो गया। और जब मैंने इससे पहले एक फिल्म डायरेक्ट की थी सैया थानेदार, तो जब मैंने वो फिल्म की थी उस वक्त आम्रपाली जी का ये कहना था कि ठीक है तू कर रहा है तो मैं 100% तैयार हूँ और करते हैं उसको, और बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है सर। उसमें पूरा सहयोग आम्रपाली जी का है सैया थानेदार में, और वो फिल्म भी जल्द रिलीज़ होने वाली है। और इसमें भी मेरे अभी रिलेशन ऐसे हैं आम्रपाली जी के साथ कि मतलब एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग एटमॉस्फेयर। और प्लस दिनेश जी का तो सर मैं जब मैंने उनके साथ पहली फिल्म की थी, जब मैं असिस्टेंट हुआ करता था परिवार, उस वक्त से दिनेश जी मुझे बहुत मानते हैं, उनका हमेशा से सहयोग रहा, हम लोग ने काफ़ी उसके बाद बैक टू बैक काम किए। और कंफर्म करिए कौन सा रिलेशन है, डबल मीनिंग वाला तो नहीं है ना? अरे नहीं सर, एक ही सिंगल मीनिंग वाला रिलेशन जाता है, भाई का रिलेशन है सर, बड़े भाई हैं हमारे। okay. और हमेशा मतलब कुछ भी अगर सुख दुख कहें ना तो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा खड़ा रहते हैं। मतलब अभी शेयर नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव लाइफ में आए और दिनेश जी एक ऐसे मतलब शख्स हैं मेरे लिए जिनको मैंने कभी भी किसी भी कारणवश कॉल किया हो तो मुझे हमेशा से उन्होंने आगे चल के पॉजिटिव वे में ही उसको लिया चीजों को और किया मेरे लिए। इस फिल्म के लिए शुभकामना मिले आपको उनसे? सर उनकी शुभकामनाएं तो सर मेरे साथ हमेशा, दिनेश जी की शुभकामनाएं सर मेरे साथ हमेशा रही है ना। दिनेश जी की नहीं सर, देखिए मैं तो क्या अभी इंडस्ट्री में ही पैदा हुआ, इंडस्ट्री में ही बड़ा हुआ, तो इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं सर मैं समझता हूँ, मेरा दिल से मानना है कि वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उनकी शुभकामनाएं और उनकी दुआएं मेरे साथ रहती हैं। अपकमिंग कोई डायरेक्शन है आपकी फिल्म में? सर अपकमिंग जो फिल्में हैं मेरी अभी, वो एक तो सैया थानेदार और रामकृष्ण बजरंगी दोनों फिल्में रिलीज पे हैं, उसके बाद मेरी रॉबिन हुड पांडे ऑलरेडी शूटिंग चल रही हैं, दिनेश जी का एक होम प्रोडक्शन है निरोवा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का, उसमें एक फिल्म हम लोग शूट कर रहे हैं फरवरी में, जिसमें दिनेश जी, आम्रपाली जी और एक और लड़की है, तो ये एक बहुत ही मतलब आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे कैसे फिल्म है वो, और वो हम लोग फरवरी में शूट कर रहे हैं। तो सर यही लाइनअप है अभी फिल्मों का। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।